होम एजुकेशन वाच पाकिस्तान की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। जैसा कि आप मारूफ शख्सियत हैं, लेकिन फिर भी हमारे व्यूवर्स और रीडर्स के लिए थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी, मेरा नाम ताहिरा अब्दुल्ला है और मैं इक्तिसादी तरक्की में काम करती हूँ, उसके साथ इंसानी हकूक़ में भी सरगर्म अमल हूँ। और पिछले 2005 के जलजले से लेके अब तक मैं समझती हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन काम जो है वो फिर मुकदम हो जाता है सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि इक्तिसादी तरक्की एक तवील उलमियाद शोबा है और इंसानी हकूक़ तो उनका तहफ़ करना और शऊर उजागर करना और बेदारी पैदा करना कई पौध लग जाती है इस काम में। तो क्योंकि पाकिस्तान घिरा हुआ है ऐसी मुसीबतों में जो कि फौरी नौयत की हैं, तो मैं पिछले कोई 2005 से पहले जलजला, उसके बाद फिर 2009 में IDPs का सिलसिला, फिर 2010 में सैलाब, उसमें भी काम कर रहे हैं। जी, अच्छा मैम, आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली एजुकेशन और उसमें भी गर्ल्स एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो आप चूँकि ह्यूमन राइट्स से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, इंसानी हकूक की आप बड़ी सरगर्म कारकुन हैं, मैं जानना चाहूँगा कि व्हाई एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट हैज़ बीन इंक्लूडिंग इन द ह्यूमन राइट्स चार्टर्ड इन UN एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज अ बेसिक। जी, ये एक बहुत अहम सवाल है। जब तक एक तो सबसे फंडामेंटल जो बुनियादी इंसानी हक है वो ज़िंदा रहने का हक है, उसके साथ साथ जो कि हमारे हुकूमत का भी एक मुतालबा और एक नारा रहा है बहुत अरसे से, रोटी कपड़ा मकान, ये जो नारा है मैं समझती हूँ उसको नारे के साथ साथ सिर्फ नारा नहीं समझना चाहिए, ये बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं, इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन दो और ऐसी बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनके बगैर भी जिंदा नहीं रह सकते। सबसे पहला है बुनियादी सेहत और तौलीदी सेहत का हक, सेहत के हकूक जो हैं, और दूसरा है तालीम का हक, और ये तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानों के लिए। आपको तालीम हासिल नहीं होगी तो आप ज़िंदगी के किसी शोबे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कहने को तो अगर हमने बहस करनी है तो बहस करने वाले कह सकते हैं कि जी वो मज़दूर जो कि दिहाड़ीदार मज़दूर है और मकान की बिल्डिंगों की तामीर में मसरूफ़ है, उसको लिखना पढ़ना आना ज़रूरी नहीं है। ये बात सच नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसको अगर गिनती करनी नहीं आएगी और लिखना पढ़ना नहीं आएगा तो उसकी जो दिहाड़ी है, उसकी जो मज़दूरी है, वो भी उसको सही, उसको ये नहीं मालूम होगा, उसको ये तक नहीं मालूम हो सकता कि एक मिनिमम वेज क्या चीज़ होती है, कम से कम उजरत क्या चीज़ होती है। उसको ये शायद ना गिनना आए कि जो भट्टे पर जो मज़दूर काम करते हैं वो जो आजिर और अजीर के दरमियान जो रिश्ता है और जो पैसे उसको दिन के आखिर में मिल रहे हैं कि वो सही हैं कि नहीं, अगर गिनना नहीं आता वो भी नहीं पता। तो एक तालीम वो बुनियादी हक है जिसके बगैर ना रोज़गार मिल सकती है, ना इंसान अपने किसी पोटेंशियल तक पहुंच सकेंगे, कुछ भी हासिल नहीं है तालीम के बगैर। और ये जो आजकल इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और एक लाकानूनियत और रवादारी की अदम फराहमी जो पहुंच रही है यहाँ पर हमारे माशरे में, जो फैलती चली जा रही है कैंसर की तरह, मैं समझती हूँ कि तालीम का फुकदान एक बुनियादी वजह है और जवाब बनता है। अच्छा, एज अ फंडामेंटल राइट आप क्या समझती हैं कि ये लड़कियों के लिए किस हद तक ज़रूरी है और पाकिस्तान में स्पेशली लड़कियों के लिए एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के तौर पे? आपने मुझसे एक सवाल पूछा, आप अगर इजाज़त दें तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं। जी, आपके सवाल के जवाब में ये सवाल है, लड़कियों का एक जो एक तसव्वुर है, मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि क्या आप लड़कियों को और औरतों को इंसान नहीं समझते? जब ये तय हो गया कि तालीम एक बुनियादी इंसानी हक है तो औरतें और बच्चियाँ भी इंसान हैं, मेरे नज़र में तो इंसान हैं, हमारे आइन में भी इंसान है, हमारे दीन में भी इंसान का तसव्वुर है औरतों का और बच्चियों का।
तो फिर मुझे थोड़ी सी हैरत होती है और बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब बच्चों को या औरतों के बारे में अलहदा सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे कि वो कोई अजूबा सा है, कोई और मखलूक कहीं आसमान से उतरी हुई या ज़मीन से निकली हुई कोई और मखलूक हैं, इंसान नहीं है, सिर्फ लड़के और मर्द इंसान समझे जाते हैं। और क्योंकि इंसानों के लिए तालीम एक बुनियादी हक है, तो लड़कों और मर्दों के लिए तो तालीमी हक है, बच्चों के लिए एक अलहदा सवाल पूछना पड़ेगा, ये मुझे रंज होता है इस पर। अच्छा ठीक है, हम इसको ह्यूमन राइट्स, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, ये तमाम मर्द हों या औरत हों उसके लिए बराबर, लेकिन क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान में ये अपनी रूह के मुताबिक इस पर अमल हो रहा है? नहीं, और नहीं गर्मी हो रहा तो कैसे? नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि सबसे पहले तो लड़कियों को इंसानी नहीं समझा जाता। मसलन मैं आपको जिरगे और पंचायतों की एक आधे मिनट के लिए बात कर लेते हैं। दो कबीलों के दरमियान झगड़ा हुआ, एक कबीले का कुत्ता मार दिया गया, एक जिरगा बिठाया गया और ये फैसला किया गया कि एक मरे हुए कुत्ते के इव्स में 15 छोटी छोटी बच्चियों को बदले सुलह में दिया जाएगा दुश्मन कबीले को। फिर ये भी काफ़ी गर्दाना ना गया और उसके साथ 7 लाख रुपए भी दिए गए, यानी एक मरा हुआ कुत्ता, उसकी कदर कीमत, उसकी वक़्त 15 छोटी छोटी बच्चियों प्लस 7 लाख रुपए के इव्स में उसके लिए बदले सुलह दिया गया। तो ये कदर और कीमत है, ये वक़्त है, ये हमारे नज़दीक लड़कियों की हैसियत है और दर्जा है। तो जब लड़कियों को ये समझा जाएगा और बदले सुलह में दुश्मन कबीले को दे दिया जाएगा तो तालीम तो बहुत दूर की बात है ना। इस मुल्क में अगर हम हुकूमत के अदाद व शुमार मान लें, मैं नहीं मानती क्योंकि बहुत मुबालगा आरई और एग्जैजरेशन के साथ ये अदाद व शुमार दिए जाते हैं हर चीज़ के, गुरबत को कम करके दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है कि 25 से लेकर 30% गुरबत है, हालांकि 54% आबादी पाकिस्तान, 180 मिलियन की आबादी, 54% एब्सोल्यूट खत गुरबत के नीचे है और 73% 2 अमरीकी डॉलर के तहत ज़िंदगी गुजर बसर करने की कोशिश कर रही है। 54% वो हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। तो हुकूमत कहती है कि 25 या 30%। इसी तरह हुकूमत कहती है कि 57% आबादी ख्वानदा है। हम ये कहते हैं कि ये गलत है क्योंकि ख्वानदा की जो तारीफ़ की गई है और तशरीह की गई है वो इतनी मुतनाज़िया है और उस पर बिल्कुल इत्तेफाक़ राय नहीं पाया जाता पाकिस्तान में कि ख्वानगी की तशरीह और तारीफ़ क्या है, उसको अलग छोड़ दें। अगर 57% है पूरे मुल्क में शरे खानदगी, तो लड़कियों की शरे खानदगी 45% से ज़्यादा नहीं है, लड़कों की कोई 70 के करीब बनती है, 70%। और ये इसलिए बनती है कि लोगों ने अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूल में दाखिल तो कर दिया, लेकिन ये हमारी हुकूमत हमें अदाद व शुमार देने से कासिर है या देने से गुरेज करती है जानबूझकर कि 5 साल की तालीम ख़त्म कितने बच्चों ने की, यानी 5वीं जमात पास, प्राइमरी स्कूल पास बच्चे और बच्चियां उस शरह से बहुत कम है जिससे हम कहते हैं कि शरह खानदगी है, या स्कूल में दाखला हासिल कर लिया लेकिन मुकम्मल नहीं किया प्राइमरी स्कूल को, हालांकि हमारा आईन पहले से भी इस बात को बहुत पक्का और एक गारंटी करता था और प्रोटेक्शन थी इस इंसानी हक की कि तमाम बच्चों और बच्चियों को प्राइमरी तालीम, 5 जमात की तालीम जो होती है वो कंपलसरी भी होगी और मुफ्त भी होगी और मयसर भी होगी। कंपलसरी और मुफ्त होना और बात है, मयसर अगर नहीं है, एक्सेस नहीं है, रसाई नहीं है, ना स्कूल की बिल्डिंग है, ना टीचर है, ना किताबें हैं, ना बस्ते हैं, ना यूनिफॉर्म है, ना कुछ, दूर दराज के जो गांव हैं कहाँ से वो, लड़कियों को तो ख़ास तौर पर वालदैन नहीं भेजते, लड़कों तो फिर भी 1 या 2 किलोमीटर चला कर भेज देंगे अगर 2 किलोमीटर के फासले पर स्कूल है, लड़कियों को तो आपको पता है कि लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद इतना ज़्यादा है, जिनसी बुनियाद पर तशद्दुद लड़कियों और औरतों के खिलाफ इतनी ज़्यादा है कि वालदैन नहीं पसंद करते अपने बच्चों को अकेला स्कूल भेज देना अगर वो बहुत दूर के फासले पर है। लिहाजा अगर हमने लड़कियों की शरह तालीम और शरह खानगी को बढ़ाना है तो इसके लिए सबसे पहली बात जो करनी है, सबसे पहला
जो काम करना है और जो मुतालबा है हमारा हुकूमत से वो ये है कि लड़कियों के लिए स्कूल गांव के अंदर होना चाहिए और उसमें ख्वातीन असातिज़ा को रखना चाहिए और उनको भर्ती करना चाहिए।